नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आपका सुनो ब्राज न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम परमेंद्र रवान जी के पास आए हैं इनका इंटरव्यू लेने। परमेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपने ये चैनल चला के पहले भी आपने बड़े सामाजिक कार्य किए हैं, मैं आपको उसके लिए काफ़ी शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप उन्नति करें। सुनो भारत, आपने बहुत अच्छे काम किया है। परमेंद्र जी, अभी जो नोएडा में स्टेडियम बना है इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, जैसे कि हमारे नोएडा स्टेडियम बना है, ये हमारे वाले जो लोकल लड़के हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इनको भी नहीं एहसास कि क्या होने वाला है, क्योंकि जब यहाँ पर स्टेडियम तो था पर सुविधाएँ नहीं थी। तो एक तो टाइम बचेगा, पढ़ाई के लिए पर्याप्त टाइम मिलेगा, लड़कों को इतनी दूर जाना नहीं लगे पड़ेगा, क्योंकि हमें जब मैं प्रैक्टिस करने दिल्ली जाता था तो दो घंटे करीबन एक घंटे जाने में लगता था, दो घंटे वापस आने में लगता था, क्योंकि शाम को रश हो जाता था। और अपने घर पे सीखने को मिलेगा। और जैसे कि अगर रणजी ट्रॉफी मैचेस होते हैं या दिल्ली ट्रॉफी मैचेस होते हैं या कोई भी स्टेट टूर्नामेंट होता है, अगर खेलेंगे भी नहीं तो स्टार्टिंग में अगर देखने जाएंगे तो उससे भी सीखने को मिलता है। उन्होंने जैसे अभी हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर में अगर कोई बच्चा क्रिकेट में जाना चाहे तो उसके लिए क्या आप उसे सलाह देना चाहोगे, वो कहाँ जाए, किस तरह अपनी शुरुआत करें? बिल्कुल, आपने सही पर्सन पूछा है, क्योंकि यह मैं भी पिछले कई सालों से एहसास कर रहा हूँ और मैंने कई बार लोगों से बोला भी है, अगर हमारा लड़का अगर अच्छा है तो वो कहाँ से जाए, वो दिल्ली से जाए या यूपी में कैसे जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जिला स्तर की कोई टीम ही नहीं है, हमें गाज़ियाबाद जाना पड़ता है। और हरम नोएडा एक अपने नाम में एक सक्षम शहर है, तो ये सुविधाएं हमारे यहाँ अब स्टार्ट हुई हैं। अब नोएडा स्टेडियम बना है, अब देखो आगे हमारे ज़िले की टीम बन पाती है या नहीं बन पाती है, अगर बन पाती है तो किसके हाथों में जाता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा बंदा होना चाहिए जो क्रिकेट को भलीभांति समझे और यहाँ से जुड़ा हुआ हो, ये नहीं कि सेक्टरों के ही लड़के जाएं, गाँव के लड़कों को भी चांस मिले बराबर। परमेंद्र जी, अपने शुरुआत के बारे में बताइए, जो आपने संघर्ष किया था इस क्रिकेट के मुकाम को हासिल करने में, इसकी शुरुआत के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, बड़ी जैसे नॉर्मल गांव के जो मैचेस होते हैं, मैं अरोला की टीम से खेलता था, तो वहीं धीरे धीरे बड़े भाई खेलते थे तो उनको देख के ही मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। तो गांव में जब एक तरफ कोस्को की टीम होती थी और एक तरफ लेदर की सीनियर की टीम होती थी, तो पहले तो गद्दे वाली जो कोस्को बॉल होती थी उसी से खेलते थे। कभी अपने यहाँ एक ट्रॉफी होती है जो गांव की तीन टीम जुट के हमने मैच खेले थे, तो उसमें जो सीनियर थे हम, मतलब जिस टीम से मैं खेल रहा था, बड़े भाई खेल रहे थे, वो हम मैच हार गए थे, तो हम जो तीन चार लड़के थे जूनियर उनको लास्ट वाला मैच खेलने का मौका मिला। तो जब लेदर की टीम में खेले तो जैसे हम कोस्को से खेलते थे, भय निकली वहाँ पर, पहले मैच में कुछ कर नहीं पाए थे, पर धीरे धीरे फिर अपने इलाके में जब टीम में जुड़ गए थे तो नोएडा स्टेडियम में जो साइड वाले ग्राउंड है उसमें हम खेलते थे, या निठारी खेल लिए, या फिर जब मैं यहाँ सदरपुर पढ़ता था स्कूल में तो टंकी पे काफ़ी मैचेस खेले हैं, सदरपुर की टंकी पे, या फिर दादरी, या फिर आप तुगलपुर, मतलब जो लोकल के टूर्नामेंट थे वो बहुत खेले हैं, तो काफ़ी नाम था। पर वो बहुत नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ है, हमारे लिए अपने गाँवों के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर ऊपर का कोई फ्यूचर नहीं है। तो अब किसी ने मेरे को बोला कि भई आप अकेडमी वगैरह जाओ, आप अच्छा खेलते हो तो वहाँ पर आप जाओ, तो 2002 की बात है, तो मैंने नेशनल स्टेडियम दिल्ली के लिए किसी ने बताया मुझे, तो मैं वहाँ प्रैक्टिस करने गया। वहाँ एक अलग ही माहौल था, सब वाइट कपड़ों में हम भी खेलते थे, पर एक अलग ही माहौल, कितने सारे बच्चे हैं वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ देख देख के। फिर 2004 में जो मेरा टर्निंग पॉइंट था, 2004 में स्पीडस्टर एक कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें ESPN चैनल ने, उस टाइम ESPN स्टार स्पोर्ट्स चैनल था जो काफ़ी फेमस था, जैसे अब स्टार करके ही है बस, तो वो कॉम्पिटिशन मैंने जीता और 140 की स्पीड से मैंने बॉल डाली थी उस कॉम्पिटिशन में, तो फर्स्ट विनर मैं था और हमें ऑस्ट्रेलिया के लिए जाने का मौका मिला एक महीने के लिए। तो ऐसी प्रोसीजर है, उस टाइम मेरे को और अपने ऊपर विश्वास हुआ, तो फिर मैं रेगुलर खेलता रहा नेशनल स्टेडियम से, मैंने लीग मैचेस खेले, फिर मेरे को ONGC ने हायर किया, स्कॉलरशिप मेरे को ONGC से मिली,
तो करीबन 10 साल में ONGC के लिए खेला एज ए स्कॉलरशिप, जॉब नहीं मिल पाई किस कारणवश, कि अगर हो जाती तो बेटर था। फिर 2014 तक वहाँ खेला, उसी दौरान 2014 से पहले फिर मैं 2007 में दिल्ली के लिए, मेरे को डेब्यू करने का मौका मिला दिल्ली से, रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। उस साल हम चैम्पियन बने दिल्ली, करीबन 20 साल बाद चैम्पियन बनी रणजी ट्रॉफी में उसी साल। फिर हर साल ऐसी हाई विकेट टेकर मैं दिल्ली के लिए बना। 2011-12 में मैं इंडिया का वनडे का हाई विकेट टेकर बना इंडिया में वनडे में। फिर दिलीप ट्रॉफी वगैरह इसमें भी सब मैं विकटें ली। तो 2012 में मैंने किंग्स इलेवन पंजाब के लिए आईपीएल मैच खेले, उसके बाद 12 में ही दिसंबर में मैं देश के लिए खेला, इंग्लैंड के खिलाफ मैंने मैचेस खेले। तो ये प्रोसीजर है कि, और आईपीएल में भी रेगुलर पंजाब के लिए खेला हूँ। तो एज ही जो जॉब हुई है मेरी, फिर वो स्पोर्ट्स कोटे से इनकम टैक्स में आयकर विभाग में पिछले साल ही मैंने ज्वाइन किया है एज ए इंस्पेक्टर। अपने जो शुरुआती दौर में आपके कौन कौन कोच रहे हैं और कौन सा क्रिकेटर आपका प्रेरणा स्रोत है, उनके बारे में पूछना। जी, मेरे जो गुरुजी हैं वो MP सर हैं, जो नेशनल स्टेडियम में कोचिंग देते हैं, साई केंडर में हमारा सेंटर आता है। तो बहुत से लोगों ने अपनी तरफ मेरा रुख बदलने की कोशिश की, पर नहीं, जो पहला गुरु होता है वो हमेशा पहला गुरु होता है। क्योंकि जब आपके पास जूते नहीं थे या फिर पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं थे अपनी फीस जमा करने के लिए, तो उन्होंने अपने काफ़ी एफर्ट लगाए, मेरी रिफ्रेशमेंट स्टेडियम में बांधी। उस टाइम जो फीस देनी थी वो उन्होंने अपने हिसाब से कम कराई, ना मात्र में ही पैसे लिए। तो वो चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। और अभी शहरवासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, युवाओं के लिए? मेरा मानना यह है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, अगर आप सच्चे मन और से मेहनत करें और ठीक वे में मेहनत करें। ऐसे नहीं, मेहनत तो सभी करते हैं, पर जो एक्चुअली आपको चीज़ चाहिए उसके लिए आप मेहनत करें, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप उसको अचीव कर पाओगे। परविंदर जी, जैसे संघर्ष भरे दिनों में हर इंसान को मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आप मोटिवेट कहाँ से? मैं अपनी माँ से मोटिवेट होता हूँ, मैं अपनी फैमिली से मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि पिताजी बचपन में ही देहांत हो गया था पिताजी का, तो माँ ने ही बहुत संघर्ष किया है। तो उन्हें देख के, जब वो, एक छोटी सी बताऊंगा मैं, जब मैं स्टेडियम के लिए जाता था तो मम्मी अपने यहाँ 15 का जो पार्क है उसमें माली के पद पर कार्यरत थी, तो उन्हें देख के थोड़ा, जो अगर वो धूप में इतना काम करती हैं तो कहीं ना कहीं अगर मैं हार्ड वर्किंग में पीछे रहूँगा, अगर वो इतनी उम्र में इतना धूप में अपना सहन कर सकती है, एक फूल को सींच सकती हैं, फूल बना सकती हैं पेड़ से, तो क्या मैं पसीना निकाल के वो चीज़ अचीवमेंट नहीं कर सकता? तो मैंने कभी रात दिन मैंने देखा नहीं, अगर मेरे को टाइम मिलता था मैं तो उसी टाइम में अपने वर्कआउट करता था और बस सीखने के लिए प्रयास करता था, जो नेगेटिव थॉट थे वो मैं अपने मन में नहीं लाता था। परविंदर जी, अभी हमको मालूम हुआ था कि आप ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हो वोटिंग के लिए, अभी चुनाव आयोग की तरफ से जिले के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, DM सर ने हमें ये अवसर दिया कि हम अपने गौतम बुद्ध नगर के लिए जो वोटर हैं उनके लिए उनको प्रोत्साहित करें। बस मेरा आपसे यही गुजारिश है कि अपने, अगर जिसका भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, तो सबसे पहले वो अपने नज़दीकी शाखा में जाके, स्कूल में, जहाँ भी ये सरकारी काम चल रहा है, तो वहाँ जाके अपने वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और एक से ज़्यादा ना बनवाएं। तो आपसे अनुरोध है, कोई भी सरकार के लिए आप वोट डालें, सबसे पहले अपना एक अधिकार जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसको बनवाएं, और अपना अधिकार, मतलब कि अपना अधिकार वोट डालें। धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। और अभी हमारे एक भाई हैं मनवीर गुर्जर, जो भी बिग बॉस में है वो एक कॉमन मैन की तरह अपना रोल निभा रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, मैं भाई मनवीर का फैन हूँ, क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ पिछले 2-2.5 महीने से, जब से प्रोग्राम आया है। एक तो ये हमारे NCR का भाई है, और मैं इसलिए इनको फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि हमारे NCR का है, मैं इसलिए इनको फॉलो कर रहा हूँ कि ये बड़े जेंटलमैन तरीके से इस गेम को बखूबी खेल रहे हैं,
जैसा वो घर पे है वैसे ही वो ये बिग बॉस में जो शो में खेल रहे हैं उसी तरह से वो बिल्कुल सच्चे मन से खेल रहे हैं। आई होप विन दिस सीजन बिग बॉस 10 और बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए भाई के लिए, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे हैं सबके दिलों में वो बच चुके हैं। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और हमेशा सेफ रखें और उनको विनर बनाएं। विनर तो वो वैसे ही बन चुके हैं, बस जो ज़रूरत है जब भी भाई को, क्योंकि वैसे तो उन्होंने हमारा इतना नाम किया है तो हमारा फ़र्ज ये बनता है कि भाई को कभी उदास ना करें, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे, उनको हमेशा ऊपर रखें। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी, हमारे चयन के लिए कुछ कहें। बिल्कुल सुनो भारत, अच्छी पहल है, आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ तक हम जैसे लोगों की बातें ऊपर तक नहीं पहुँच पाती, आपके माध्यम से हम वो चीज़ें बोल पा रहे हैं या बता पा रहे हैं। तो क्योंकि हर किसी का कोई नहीं होता, एक मीडिया होती है, मीडिया ही अपनी बातों से सबको वो चीज़ें बताती हैं। बस आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हम अपनी वाणी आपके द्वारा दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं यही शुभकामना करना चाहूँगा कि आप और ज़्यादा तरक्की करें और इस माध्यम से जो लड़के दबे हुए हैं या हमारा समाज दबा हुआ है वो ऊपर आए।